नमस्ते, मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं सातवीं कक्षा का बस यात्रा का अनुभव पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो, आज हम बस यात्रा का अनुभव पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ने से पहले प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़े थे थोड़ा दोहराएंगे। तो बच्चों, हम पढ़े थे कि गाड़ी में प्राथमिक चिकित्सा बक्स क्यों रखा जाता है, क्योंकि हठात दुर्घटना घटने के समय उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उन्हें थोड़ा चिकित्सा करवा जाता है, इसीलिए गाड़ी पर चिकित्सा बक्स रखा जाता है। तो आगे चलो बच्चों, पढ़ेंगे कि बच्चे जल्दी जल्दी भुवनेश्वर जाने के लिए उतावला हो रहे थे और चिल्ला रहे थे। चिल्ला चिल्ला कर ड्राइवर से कहते हैं, जल्दी जल्दी चलो ना, हमें भुवनेश्वर जाना है। तो भुवनेश्वर जाना में देर हो जाता है, ड्राइवर जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ। तो ड्राइवर क्या करता है ना, जल्दी जल्दी चलाता नहीं, बच्चों की बात नहीं सुनता है। और जब बार बार बच्चे चिल्लाते हैं, ड्राइवर को कहते हैं, तो वहाँ पर शिक्षक ने क्या किया ना, बच्चों से डांटा और कहा, अरे तुम इतना चिल्लाते हो क्यों ड्राइवर, तुम इतना चिल्लाओगी तो ड्राइवर का मन इधर उधर हो जाएगा और वह अन्य मनस्क होकर कहाँ पर गाड़ी लगा देगी और दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए तुम धीरे से बैठो, इतना चिल्लाओ मत, गाड़ी इतने भीड़ पर गाड़ी जोर से नहीं चलाना चाहिए। देखो यहाँ पर बोर्ड लगी है कि गाड़ी 40 किमी की गति से चलानी चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं। इस बात कहकर जब शिक्षक ने बच्चों को समझाते हैं, उस समय पीछे से और एक गाड़ी आकर जोर से हॉर्न बजाता है। इस हॉर्न को सुनकर बच्चे बैठे गाड़ी का ड्राइवर बाएं तरफ से थोड़ा गाड़ी मुड़ कर रख देता है और पीछे वाला गाड़ी आगे चलता है। यहाँ पर शिक्षक ने समझाया, देखो बच्चों, हमारा ड्राइवर कितना समझदार है, वो इतनी जोर से तेज से गाड़ी नहीं चलाता। हाँ, पीछे वाला ड्राइवर किस कैसे हॉर्न बजाने से हमारा ड्राइवर कैसे उसे छोड़ दिया, ये है अच्छी बात। ये कहकर बच्चों को कहते हैं, बच्चों आवाज मत करो, चिल्लाओ मत, धीरे बैठो, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। यह कहकर बच्चों को टीचर ने समझाते हैं। तो क्या हुआ ना, हमारी जो गाड़ी का बस जाकर खंडगिरी के पास पहुँचे। ड्राइवर ने इंजन बंद कर लिया और छात्रों ने कहा, गुरुजी गाड़ी तो एकदम रुक गई। शिक्षक ने समझाया, देखो यहाँ एक ट्रैफिक लाइन है, यहाँ पर एक ट्रैफिक बत्ती है, ट्रैफिक बत्ती में तीन रंग का बत्ती दिखाई देता है ना बच्चों। हाँ, पीली बत्ती टिमटिमाती है, पीली बत्ती जलने का उदाहरण देता है कि गाड़ी इधर उधर देखकर धीरे से चलाओ। और उसके बाद आया लाल बत्ती जलने से हम यह समझना चाहिए कि लाल बत्ती क्या है ना, लाल बत्ती जलने से हमें यह संकेत देता कि गाड़ी रुक जाना चाहिए। जहाँ पूरा पूरी भीड़ होता है तहाँ पर ट्रैफिक रहता है और लाल बत्ती जलने से गाड़ी पूरा पूरी रुक जाने की संकेत देती है। और उसके बाद आया हरी बत्ती जलने से क्या होगा ना, गाड़ी जाने के लिए तैयार होगा, गाड़ी सुरक्षित से आगे बढ़ेगा। हाँ, तो ये है ये तीन बत्ती का संकेत। पीली बत्ती जलने से उसका जलने का अर्थ है कि हमें गाड़ी को हमें इधर उधर देखकर गाड़ी को धीमी गति से चलाना है। और लाल बत्ती जलने का अर्थ है कि जहाँ पर ट्रैफिक भीड़ होता है वहाँ पर रुक जाने की
संकेत देता है और हरी बत्ती जब जलती है गाड़ी आगे निकलती है और निरापद से जाने के लिए सुरक्षित से जाने के लिए हमें संकेत देता है। बच्चों समझो कि तीन बत्ती क्या क्या है और तीन बत्ती हमें क्या संकेत देते हैं। आज हम पढ़े, बाद में उसके वाक्यांश पढ़ेंगे। पढ़ेंगे बच्चों, बाय।